सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने स्मार्टफोन पे, एंड्रॉयड स्मार्टफोन पे अपने यूट्यूब के वीडियोस कैसे एडिट कर सकते हैं, मतलब कि एक रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड करना भी सिखाऊंगा और एडिट भी कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे मैं आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगा। और मतलब कि आप शूट भी कैसे करें, वो उसमें ये होता है कि जिस तरह एक तो माइक्रोफोन मोबाइल का और इंटरनल जो माइक है मोबाइल का, वो सपोर्ट हर कैमरा में करता है, हर कैमरे में वो सपोर्ट करता है, लेकिन ये माइक जो होता है, एक्सटर्नल माइक जो होता है अलग से, वो सपोर्ट नहीं करता। लेकिन उसके लिए मोबाइल के अक्सर अपने कैमरे में सपोर्ट नहीं करता, इसके लिए हमें यूट्यूब से, मतलब के प्ले स्टोर से यूट्यूब पर हम वीडियोज़ देखते हैं कि उसने ये कैमरा बताया इस तरह किया, हम प्ले स्टोर से वो डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन उसमें फ़ायदा यही होता है कि अगर माइक सपोर्ट करता है तो क्वालिटी कोई अच्छी नहीं है, लेकिन वो हर एक कैमरे में नहीं होता, हर एक कैमरा इस तरह का नहीं होता, हर एक कैमरे का अलग अलग होता है। ये जो माइक है, मतलब कि ये वाला माइक है जो, इसको मैं मतलब कि ये वाली वीडियो मैं उसी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब कि मैंने प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड किया है, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा कि इसमें ऑटोमेटिकली अगर हम एक्सटर्नल माइक करते हैं, एडजस्ट करते हैं, पिन करते हैं, तो ये मतलब एक्सटर्नल माइक इससे रिकॉर्ड करेगा, माइक्रोफोन मोबाइल का एक्सटर्नल माइक बंद हो जाएगा। एंड आप किस तरह अपने यूट्यूब की वीडियोस को एडिट कर सकते हैं, मतलब कि एक मैं इंट्रो दे सकता हूँ, मतलब कि किस तरह से आप साइड पे पिक लगाना चाहते हैं, मतलब कि एक वैसे पिक आ जाए फिर बाद में बंद हो जाए, साइड पर वीडियो लगाना चाहते हैं, मतलब कि एक वीडियो आ जाए साइड पर फिर ख़त्म हो जाए, वो सारी मैं मतलब कि किस तरह एडिटिंग करते हैं वो आपको सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो फिर इसी वीडियो के साथ करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, ये हैं वो दोनों ऐप्स जिनकी मदद से आप देख सकते हैं कि आप YouTube के वीडियो को एडिट किस तरह कर सकते हैं। पहले नंबर पे आती है कैमरा। वैसे आप प्ले स्टोर पे कैमरा लिखेंगे तो बहुत सारी आ जाएंगी, इसमें आपको पहचानने में थोड़ी मुश्किल होगी। एंड ये एक वीडियो मेकर है, आपको प्ले स्टोर ओपन करना है एंड यहाँ पे लिखना है सेल्फी कैमरा ब्यूटी कैमरा। ये लिखने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है एंड मे बी आपका बिल्कुल फर्स्ट पे ही आ जाए, पक्का नहीं पता, लेकिन जो रेकमेंडेड फॉर यू है उसमें मेरी सबसे पहली यही ऐप है, उसके ऊपर टैप कर देना है एंड यहाँ से मैं ओपन कर लूँगा। एंड जो नेक्स्ट है जो मेरी, मैं उसको भी अभी बता देता हूँ, उसका नाम है वीडियो मेकर। इसे आप करेंगे एंड मेरा नेट बड़ा स्लो है ज़रा, ये चौथे नंबर पे मेरे पास आ गई है, ये आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए तो आप इसके अंदर अच्छी खासी एडिटिंग कर सकते हैं। एंड अब जो मैं आपको एडिटिंग है वो करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको कैमरा जो अपनी होगी जिससे आप शूट करेंगे, आपको उसको ओपन कर लेना है। इस तरह का इसका इंटरफेस है एंड जैसे ही आपको, मतलब कि इसके अपनी एडिटिंग भी काफ़ी अच्छी है मैंने देखा, लेकिन मैं इसमें एडिटिंग करना नहीं सिखाऊंगा। आप ब्यूटी इफेक्ट, स्टिकर्स, एडिट, मतलब कि कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपको वीडियो कैप्चर करनी है ना, मतलब कि रिकॉर्ड करनी है, शूट करनी है, तब आपको कैमरा पे टैप करना है, कैमरा के आइकन पे टैप करना है एंड ये देखिए जिस तरह से आप वीडियो शूट कर सकते हैं, मतलब कि आप नीचे से सिलेक्ट कर लीजिए फ़ोटो या वीडियो, उसके बाद ब्यूटी आप फ़िल्टर ले लीजिए, फ़िल्टर कोई सा भी हो सकता है, मतलब कि अपने लिहाज से फ़िल्टर ले लें। मैं आपको बोलूँगा ये नेचुरल वाला फ़िल्टर जो है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब कि आप उसे काफ़ी अच्छे तरीके से रख पाएंगे, यानी कि हर एक वीडियो पे ये सूट कर जाता है, सूटेबल है। एंड इसमें ये होगा कि आप इस तरह से करेंगे कि इसके अंदर ये जो मैंने, जिस माइक से मैंने रिकॉर्ड किया ना, ये माइक्रोफोन एंड ये पिन एंड जो माइक है, इससे मैंने आज की वीडियो रिकॉर्ड की है। आप मतलब कि ऑटोमेटिकली इसमें मोबाइल का माइक्रोफोन है ना जो, वो बंद हो जाएगा कि वो रिकॉर्ड करना बंद कर देगा और इसकी मदद से आपका माइक्रोफोन जो होगा उसकी मदद से आप देख सकते हैं। तो मतलब जैसे आप वीडियो पे टैप करेंगे, अभी मैं माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में क्लेम आ गया है, मतलब कि अभी रिकॉर्ड नहीं होगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। एंड
ये देखिए बस, मतलब कि आपको दिखा सकते हैं इंटरफेस, आप इस तरह कर सकते हैं, मतलब कि आप बोलिए तो रिकॉर्ड होगा। उसके बाद आप काफ़ी, मतलब कि आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फिल्टर्स मिल जाते हैं इसमें, आप स्टिकर फिल्टर ब्यूटी मतलब कि कुछ भी रख सकते हैं। एंड जो जिसमें आपको अपनी पिक्चर्स एडिट करनी है, मतलब कि टोटली वीडियो एडिट करनी है, वो है वीडियो मेकर। एंड मैं ब्राइटनेस ज़रा बढ़ा लेता हूँ। एंड जो अपना एक प्रोजेक्ट है, मैं एक बात है इस प्रोजेक्ट को ले लेता हूँ, जो मेरी पुरानी वीडियो है, सो हेलो गाइस, ये वेलकम बैक टू देखिए, माय। मतलब कि ये मेरी पुरानी वीडियो है। आप इसके अंदर किस तरह, आप सबसे पहले नंबर पे इसके अंदर इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं इफ़ेक्ट्स की बात करूँगा। इफ़ेक्ट्स पे आपने टैप करना है और आपको काफ़ी अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। कि आप फ़र्ज़ करें, हम लेते हैं ये वाला, ले लिया, चलिए आज के इस वीडियो में मैं ये आपको देखिए दिखाऊंगा इस चार तरह से। ओहो, थोड़ा तेज़ हो गया, मतलब हार्ट बीट वाला लगा सकते हैं अद्भुत इसमें। सबसे कमाल बड़ी एडवर्ड एप्स। बात ये मुझे लगे कि हार्ट बीट वाला हमें प्रो में नहीं मिलता, ऐसे ही मिलता है। आगे आप मैजिक, आपको नीचे से भी काफ़ी सजेस्टेड मिल जाएंगे, जिनको आपको अपने मतलब कि एंड्रॉयड आप इस फ़ोन तरह में भी थोड़ी टोटली जिस इस्तेमाल, तरह एक टिकटॉक के लिए वीडियोस होती हैं आप उस तरह बना सकते हैं, जो कि आजकल बैन होने के चक्करों में है। मतलब कि आप करना टोटली चाहिए फिल्टर चार वगैरह जिस तरह, पिक्चर्स में या ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि वो हाली आपके इस लिए तरह फेस ला सकते हैं, यूज़फुल और साबित टोटली होंगे। इस तरह से पिक्चर, तो मतलब कि, और इसके बाद जैसे ही आप अपने फिल्टर्स देख लें, आपको सिर्फ टिक पे टैप कर देना है एंड रिमूव। मैंने एक प्रो ले लिया था, प्रो आपको, प्रो अगर आपको देना पड़ेगा, लेना है तो आपको लिए उसके लिए पे करना पड़ेगा। सो देखते हैं आगे स्पीड का, आप स्पीड का मुझे ज़्यादा कर सकते हैं कि बिल्कुल लो, या मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ दिखाने के लिए। ये सो हेलो देखिए गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड्रॉइड इस तरह तेज़ फोन है, में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, जरूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए यूज़फुल साबित होंगे। ये इसी तरह से मतलब के दिखा सकते हैं आपके, मतलब के अच्छे लगता है। रिकॉर्ड आप अलहदा से अपना वॉइस रिकॉर्ड अभी अभी कर सकते हैं, मैं डिले करूँगा, दिखाऊँगा नहीं, वरना स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। मतलब के स्टीकर टेक्स्ट, टेक्स्ट में देख लिए, मैं कुछ भी डाल दिया। एंड कलर मैं लिख लेता हूँ यहाँ से रेड, टिक किया। एंड आप इसको अपनी मर्ज़ी से सेट कर पाएंगे, मर्ज़ी से सेट कर सकेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, आप किसी तरह अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सेट कर सकेंगे। और इसमें आपको नीचे से लेंथ भी मिल जाती है, और कि आप अपनी मर्ज़ी से लेंथ रखना चाहें। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से नज़र आए, आ चुके हैं मैं जहाँ से पहली जो आवाज़ साथ आई है ही उसका यहाँ से नाम है नज़र आए, कैमरा लग डिटेक्टर। जाएगी और यहाँ आके ख़त्म हो जाएगी। आप किसी मोबाइल पर कोई स्पाई कैमरा डिटेक्ट कर सकते हैं। ये है। और मेरी जो ये वाली वीडियो है, मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख के अगर दिया गया तो मेरा ख्याल है दे दूंगा। और फिर ठीक है। एंड आप स्पीड रिकॉर्ड क्रॉप, इसमें क्रॉप भी कर सकते हैं अपने वीडियो को, आपने कितना दिखाना है वीडियो, सिर्फ इतनी मैं चाहता हूँ दिखानी है मैंने। तो इसके ऊपर मैं डायरेक्ट टैप करूँगा, तो ये हो सकता है इस तरह, मतलब कि फ़्लिप कर दें टोटली अलग से, पीछे रोटेट, आप चारों तरफ से रोटेट कर सकते हैं। और ये जो मैंने दोनों ऐप्स, ये वाली दोनों ऐप्स बताई हैं, इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड मेरी ये वाली वीडियो का, पहली वाली, दोनों वीडियोस का, मतलब ये वाली वीडियो से पहले मैंने दो वीडियोस बनाई हैं, वो आपको ये भी मिल जाएगा उसका। अगर गाइस, उन सारों का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा गाइस। अगर आपको इस वीडियो में की लेंथ ज़रा से ज़्यादा बड़ी लगती है, लेंथ पे मत जाएं, क्योंकि इस वीडियो में काम मैंने अच्छा बताया मेरे लिहाज से अकॉर्डिंग, और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो वो मैं अभी आगे बता देता हूँ, सो के किस लिहाज से अकॉर्डिंग आएगी। एंड फिर आता हूँ मैं स्क्रीन पे। तो गाइस कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगली जो मेरी नेक्स्ट वीडियो वो भी इसी टॉपिक पे होगी, लेकिन वो टोटली उसमें मैं शूटिंग का, तो ये मेरा हो गया। और ये है कि उसमें मैं ये सिखाऊंगा कि आप टोटली एडिट किस तरह टोटली कर सकते हैं, अलग से एडिट कर सकते हैं। उसमें मैं दो ऐप्स बताऊँगा जिसमें आप एडिट कर सकते हैं अपने वीडियोज़ को। एंड वो ख़ास तौर पे ये, मतलब कि ये वाली जो होती है ना, ये चीज़ जो फ़िल्टर्स है मैंने बताए हैं इसमें, ये हार्ट बीट वाला या जो जो उन सभी फ़िल्टर्स होते हैं वो असल में पोइट्री में इस्तेमाल होते हैं, वैसे भी पिक्चर्स में या वीडियोस में इस्तेमाल होते हैं, पिक्चर्स में तो नहीं, खैर तो वीडियोज़ में होते हैं। तो फिर कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो ज़रा सी भी कहीं से अच्छी लगी है ना, ज़रा सी भी, ज़रा सी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो है आपको आसानी से मिल जाए। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।